ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लगभग 500 TDS पानी से हम कैसे बनाएं ये उसके लिए है, क्योंकि हम खुद RO वाटर यूज नहीं करते हैं ना किसी को सलाह देते हैं। हम घर में तो सिस्टम लगा रखे हैं और पता लगा कि RO वाटर में ही हमारा लगभग महीने का 1000 रुपये खर्च हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं करना है ना, सिस्टम ऐसा हो कि हम नॉर्मली कर सकें। तो ये हमारे पानी का जो TDS है वो 450 से 500 के आसपास होता है, तो हम उसके अनुसार सब कुछ ये निकाले हुए हैं। ठीक है, तो ये डोलोमाइट पाउडर आपको 500 ग्राम लेना है और इसको घोलना है। अब घोलने के लिए हल्का सा अगर गर्म पानी आपका हो तो ये घुल जाएगा, लगभग मतलब 75% तो घुल ही जाता है, बाकी नीचे जो ठोस पदार्थ रहता है उसको आप फेंक ही दीजिए या फिर अपने गमलों में डाल दीजिएगा। ठीक है, उससे आपका ये सब कुछ लगभग कैल्शियम और मैग्नीशियम की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट तो ये 250 ग्राम ही डालना है, ये आपने डालना है कि नहीं डाला। अगर ये यूज कर रहे हैं, डोलोमाइट पाउडर यूज कर रहे हैं तो नहीं डालना है। ठीक है, और अगर नहीं यूज कर रहे हैं तो आपको ये कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम के लिए। ठीक है, नॉर्मली तो जैसे ये लोग देखिए यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट का यूज करते हैं, मतलब जो कमर्शियल लोग होते हैं उसकी जगह पर कैल्शियम नाइट्रेट डालते हैं, महंगी चीज़। ठीक है, अब उसकी जगह मैंने लिख दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, हालांकि ये थोड़ा pH को भी बढ़ाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके वेस्ट डिकम्पोजर डला हुआ है तो ये आपके मेंटेन करके रखेगा, और प्लस ये डोलोमाइट पाउडर का एक अच्छा गुण ये होता है कि ये pH को आपको अनबैलेंस नहीं होने देता है, मतलब ये ज़्यादा तो नहीं करता कम, लेकिन ये 7 से ऊपर भी नहीं बढ़ने देगा आपके pH को, ये भी गारंटी है। ठीक है, अगर ये आपने डाल दिया है तो ये 7 से ऊपर कभी नहीं जाने देगा, एक ये इस चीज़ की खासियत है। और डोलोमाइट पाउडर बहुत ही सस्ती चीज़ है, हमने तो मेरे ख्याल से 4 रुपये या 5 रुपये किलो में ही मंगाया था, अब उस टाइम ध्यान नहीं आ रहा, मैं 3 साल पहले आया था हमारे यहाँ किसी और काम के लिए, हमने तो काफ़ी मंगाया था 250-300 किलो, उसमें से हमारे यहाँ एक आध बोरी अभी बची हुई है। तो आप देख लीजिएगा, ये आपके यहाँ जो भी चूना वगैरह बेचते हैं उनसे कहेंगे कि भाई डोलोमाइट पाउडर चाहिए, तो हो सकता है आपको अरेंजमेंट कर दे, और 1 किलो 2 किलो लेंगे तो आपको 25 रुपये किलो या 30 रुपये किलो लगाएगा, और क्या। ऑनलाइन तो ये महंगा ही है, शायद 100-150 रुपये किलो होगा। ठीक है, ऑनलाइन का रेट मुझे नहीं मालूम, और इस तरीके से आप अपना सॉल्यूशन तैयार कीजिए। अब ये इधर साइड में लिखा हुआ है नॉर्मल वार्म वार्म, इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉर्मल पानी में यूरिया घुल जाएगा। ठीक है, यूरिया आपका है ये नॉर्मल पानी में ही आपका ढंग से घुल जाएगा। ठीक है, अब DAP है यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये आपको थोड़ा सा वार्म वाटर यानी लगभग 50 डिग्री का मान लीजिए। ठीक है, 50 डिग्री के वाटर में आपका ये बढ़िया से घुलेगा, और 10-1% अगर नहीं भी घुलता है तो समझ लिए फिलर मटेरियल है, क्योंकि जिस टाइम ये सब खाद बनाए जाते हैं कुछ फिलर मटेरियल यूज किया जाता है वजन बढ़ाने के लिए, तो उसको आप अगर वो नहीं भी घुलता है तो उसको आप अपने गमलों में या फिर कोई पेड़ पौधा आपका लगा हुआ है उसमें आप डाल सकते हैं या फेंक सकते हैं। ठीक है, MOP ये भी आप थोड़ा सा वार्म वाटर में घोलेंगे तो जल्दी घुल जाएगा, वैसे तो ये सादे पानी में भी घुल जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट आपका नॉर्मल वाटर में ही आसानी से घुल जाएगा। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट ये भी आपका नॉर्मल पानी, जो भी लगभग 25-26 डिग्री का या 27 डिग्री का पानी आपका होता है बोरवेल का, उसमें आसानी से घुल जाएगा। ठीक है, वेस्ट डिकम्पोजर तो घुला हुआ होता ही है ऑलरेडी, तो इसका तो कोई चर्चा करने की आवश्यकता है नहीं। और बाकी ये डोलोमाइट पाउडर है तो ये भी थोड़ा सा अगर गर्म पानी में घोलेंगे तो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में आपका ये घुल जाएगा। ठीक है, नहीं भी घुले आप उसमें डाल दीजिए, अपने सॉल्यूशन टैंक में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो धीरे धीरे घुलता रहेगा और आपके पौधों को मिलता रहेगा। ठीक है, उसकी चिंता मत कीजिए घुल रहा है नहीं घुल रहा है। ठीक है ना, हमारे यहाँ तो ओपन में पड़ा हुआ था, अभी तक तो हमारा ओपन में ही था, हमने थोड़ा सा ढका है क्योंकि थोड़ा एल्गी पैदा हो रहा था हमारे टैंक में। तो आपको भी यही सलाह है कि आप टैंक को ढक के ही रखिएगा, जो भी आपका सॉल्यूशन टैंक है उसको ढक के रखिएगा, क्योंकि एल्गी अगर पैदा होगा तो एल्गी पता है नाइट्रोजन को कंज्यूम करेगा, फिर आपके वो सिस्टम को अनबैलेंस करेगा, है ना। तो इस तरीके से मतलब ये है कि उसको ढक के ही रखेंगे, धूप ना लगे उसमें, टैंक के सॉल्यूशन में धूप ना लगे, तो ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि हमारा ओपन में पड़ा हुआ था तो हमें थोड़ा सा दिक्कत महसूस हुई यार, पौधे के कुछ एक आध पत्ते पीले लगे हमें, हमने कहा यार ठीक तो सब कुछ है पीले क्यों हो रहे हैं, हमने इस चीज़ को पकड़ा कि नाइट्रोजन की कमी हो रही है। भाई कमी क्यों हुई, तो देखा कि हमारा ओपन में है, ठीक है, एल्गी बन रही है और वो हल्का सा हमारा नाइट्रोजन कंज्यूम कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको ढक के ही रखना है।
ठीक है। और बाकी कैल्शियम कार्बोनेट भी थोड़ा सा गर्म पानी में घोलेंगे तो घुल जाएगा, बाकी ना भी घुले तो पत्थर वगैरह हो तो फेंक दीजिएगा, नहीं तो उसमें डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो धीरे धीरे घुलता रहेगा, आपके पौधों के कैल्शियम की आपूर्ति वो करता रहेगा, ठीक है। और बाकी इस तरीके से अगर आप करते हैं तो जैसे हमारे पौधे हो रहे हैं वैसे आपके भी पौधे अच्छी तरह से तैयार होंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो हम जिस तरीके से करते हैं आपने बता दिया, इस तरीके से आप सोल्यूशन बनाइए और कोई भी पौधा लगा दीजिए, है ना, चाहे वो आपका टमाटर हो, बैंगन हो, शिमला मिर्च हो, पालक हो, गोभी हो, आपके सारे पौधे तैयार होंगे, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है कि किसी खास चीज़ की कमी हो जाए, जैसे हमारे सिस्टम में आयरन की कमी हमें थोड़ी सी महसूस हो रही है कुछ दिनों से, तो उसके लिए ये है कि वेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन अगर आपका बना हुआ है तो उसमें घर का जो भी स्क्रैप लोहा है आपका, कबाड़ लोहा, जिस तरह जंग लग जाता है कई बार लोहा होता है ऐसा, तो उसको डाल दी 2 लीटर पानी में 1 किलो लोहा डाल दिया और अपना घुल रहा है, और उसमें से अपना 2 दिन में वो पूरा घुल जाता है, लगभग काफ़ी मात्रा में लोहा घुल जाता है, उसको उठाइए और अपने पौधे उस सॉल्यूशन में डाल दीजिए, ठीक है, इस तरह से पूर्ति हो जाती है। बाकी अगर ज़्यादा ही कमी हो तो फिर वो आयरन सल्फेट आता है, आयरन चिलेटेड आता है, इस तरीके से पूर्ति कर सकते हैं। बाकी आपको लक्षण भी बताएंगे, आप पिछली वीडियो में हमने वादा किया था कि आपको आगे हम वीडियो में हम पूरे लक्षण बताएंगे कि पत्ता देख करके किसी चीज़ को कैसे पहचाना जाए कि किस चीज़ की कमी हमारे पौधों में है, ठीक है। तो इसके बारे में आगे की वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वो जो बेल आइकॉन होता है उसको भी दबा लीजिएगा कि ये तत्काल आपको इसकी खबर मिल सके कि नई वीडियो आ गई है। तो दोस्तों आपने जैसा कि देखा तो इतना इतना डाल के आप सोल्यूशन बना सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम बीज की शुरुआत कर रहे होते हैं, जैसे हमने धनिया पालक लगाना है तो डायरेक्ट हम अपना गिलासों में या नेट कप में डाले और लगा दिया, या फिर छोटा पौधा है नर्सरी से लेके आए हैं उसको लगाना है, तो उस टाइम हम इसकी कितनी स्ट्रेंथ रखें, इसकी कितनी शक्ति रखा जाए, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखिए, ये जो यूरिया की क्वांटिटी है 40 ग्राम, तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, 50%, इसका 50% आपने शुरू में ही डाल देना है, पौधा लगा रहे हैं तभी। और जैसे DAP है ये आपका 16 ग्राम है, तो इसका 100% आपने शुरू में ही डाल देना है, चाहे पौधा उगा रहे हैं चाहे छोटा है या बड़ा है, आपने ये निर्णय नहीं करना है, ये टोटल जो इसका है ये 100% ही आपने डाल देना है शुरू में ही, क्योंकि ये जड़ों के विकास में भी सहायक होता है और प्लस पौधों के स्ट्रेंथ के लिए भी जरूरी होता है, ठीक है। तो MOP का आपने 50% हिस्सा शुरू में ही डालना है, बाकी हिस्सा आप बाद में स्ट्रेंथ सॉल्यूशन मेंटेन कर सकते हैं। और TDS की चिंता मत कीजिए, TDS आप शुरू में भी अगर 1000 से ऊपर ही पहुंच जाता है आपका, 1500 ही पहुंच जाता है, तो कोई खास चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। MOP का 50% यानी कि 62 ग्राम लिखा है, तो आपने 31 ग्राम शुरू में ही डाल देना है। मैग्नीशियम सल्फेट का 75% हिस्सा ही आपने शुरू में डाल देना है, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट 20 ग्राम, तो इसका 50% आपने शुरू में डालना है, क्योंकि बहुत छोटे पौधों को माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ये आपका जब पौधा लगभग 2 महीने का हो जाए उसके बाद ज़्यादा इसकी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन शुरू में बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, इसलिए 50% आप इसको डालिएगा। वेस्ट डिकम्पोजर 100% आप डाल सकते हैं, ठीक है। डोलोमाइट पाउडर भी आप 100% शुरू में ही डालिए, क्योंकि pH मेंटेन करने की चीज़ें हैं, तो pH तो आपको शुरू में ही मेंटेन करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो बाकी कैल्शियम कार्बोनेट अगर यूज कर रहे हैं तो भी आप उसको 100% डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारी वीडियो इस बारे में, न्यूट्रिएंट कैसे हम बनाते हैं और किस तरीके से आप बना सकते हैं सबसे सस्ता। तो बाकी अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, ओके बाय।